नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। राजद का आज 27वां स्थापना दिवस है, वहीं इस मौके पर आज राजद कार्यालय पूरी तरह से सजाया गया है। बाहर का नज़ारा देखें तो बाहर काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन इस पोस्टर से जो है निमिषा भारती, तेज प्रताप यादव और बाकी के नेताओं की बात करें तो राजद के कई नेता इस पोस्टर से गायब दिख रहे हैं। इस पोस्टर में सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और साथ में तेजस्वी यादव इस पोस्टर में नज़र आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव इससे पहले भी कई बार पोस्टर में ना नज़र आने को लेकर के नाराज़गी जता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस बार जो पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर में भी सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले की अगर बात करें तो तस्वीरों में मीशा भारती भी नज़र आती थी, लेकिन इस बार मीशा भारती भी इन तस्वीरों में नहीं दिख रही है। अब अगर बात राजद कार्यालय के अंदर की करें तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। आज लालू यादव यहां पर आएंगे, झंडा उत्तोलन करेंगे और फिर 27वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इसे लेकर के राजद कार्यालय में पूरी साफ सफाई रखी गई है, पूरी तरह से आज कार्यालय अगर बात करें लाइटों की तो लाइटों से जगमगा रहा है। साथ ही आज अगर राजद के लालटेन की बात करें तो उस लालटेन को भी बहुत ही में लोगों की भीड़ जो है वो 11:30 बजे के बाद देखने को मिलेगी। 11:30 बजे के बाद यहाँ पर जो मंत्री हैं वो पहुँचना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके एक और यहाँ मंत्री पहुँचेंगे तो उसके बाद लालू यादव भी यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर झंडोत्तोलन किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो है जो सजावटें हैं, सबके बीच जो पोस्टर्स लगी हैं, अब इस पर भी चर्चा तेज़ हो चुकी है। पोस्टर्स को लेकर के सवाल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विदेश में हैं, तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के अब बात ये भी सामने आ रही है कि जब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल कर दी जा चुकी है तो फिर तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुँचेंगे हो सकता है कि पटना एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बातें जो हैं वो अभी सामने आ रही है। हालांकि इस पर क्या कुछ हो सकता है ये अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव के ऊपर जब चार्जशीट फाइल हुई है तो फिर कई तरह की और भी बातें उठने लगी हैं, कई तरह के और भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं सुशील कुमार मोदी भी इस बात को उठा रहे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार तेजस्वी से इस्तीफा लेंगे। लेकिन अब इन सब में बात ये भी है कि अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं तो फिर क्या अब उनके जगह पर कौन आ सकता है। अब आजकल ये लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो हैं वो उनका जगह ले सकती है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ सियासी खेल जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।